राजधानी पटना के भाजपा कार्यालय के गेट के बाहर एक बैनर लगा हुआ है बड़ा सा, जिसमें राहुल गांधी को रियल लाइफ का देवदास बताया गया है। आपको देवदास फिल्म याद होगा, जिसमें शाहरुख खान ने बखूबी बतौर एक्टर का रोल किया हुआ था, उसी का सीन है। एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे, आप देख सकते हैं कि उनको अब रियल लाइफ का देवदास बताया गया। और क्या कुछ लिखा गया है, सो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। देखिए, बाबूजी ने कहा गाँव छोड़ दो, परिवार ने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कहा शहर छोड़ दो, एक दिन आएगा जब सब कहेंगे दुनिया ही छोड़ दो। देखिए, यह फिल्म का डायलॉग आपने जरूर देवदास मूवी में सुनी होगी, जो मूवी भी काफ़ी हिट हुई थी। लेकिन अब एक तरफ भाजपा ने अब राहुल गांधी को रियल लाइफ का देवदास बताया गया है। देखिए, शाहरुख खान रियल लाइफ के देवदास थे, यानी कि पर्दे के पीछे का किरदार किए थे तो शाहरुख खान थे ही, लेकिन रियल लाइफ के देवदास भाजपा ने कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी को बताया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैनर लगाया गया है। यह बैनर भाजपा के कार्यालय गेट के बाहर लगाया गया है पटना के, जिस पर किस तरीके से यहाँ पूरी तरीके से लिखी गई है। नीचे भी आप देखिए किस तरीके से लिखा गया है कि ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, लालू नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो, अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन ने कहा तमिलनाडु छोड़ दो। वो दिन दूर नहीं जब सब मिलकर कहेंगे कांग्रेसी राहुल राजनीति छोड़ दो। देखिए, और राहुल गांधी की यह तस्वीर है, जब भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए थे उसी समय की इनकी तस्वीर लगाई गई है। और किस तरीके से राहुल गांधी को रियल लाइफ का देवदास बताया गया है, भाजपा कार्यालय के मुख्य जो द्वार है वहाँ की तस्वीर है पटना के। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के बैनर में कि किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी को रियल लाइफ का देवदास बताया गया है। तो आज राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए थे। देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के समय ही बिहार आए थे, उसके बाद आज यहां पर जो विपक्षी दलों की बैठक हुई है उसी को लेकर आज राहुल गांधी भी यहां पर आए हैं। और किस तरीके से पटना में सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं, और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तमाम जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन, उन्होंने भी आज बिहार आए। देखिए, आज बड़ी बैठक की गई है बिहार में, जिसमें सभी विपक्षी दलों को बताया जा रहा है, 15 विपक्षी जो भाजपा विरोधी दल हैं उनको एकजुट करने की बात हो रही है। नीतीश कुमार ने अब पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से केंद्र से भाजपा को हटाया जाए, उसी को लेकर लगातार नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। हालांकि कितना सफल होंगे यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज पटना में जिस तरीके से पूरी महागठबंधन मिली हुई है कि किस तरीके से लगातार सभी को एकजुट कर लिया जाए किसी भी तरीके से, हालांकि बैठक भी चल रही है, क्या कुछ बात समझ में आएगा सभी को लेते आएंगे, एक एक अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। आप बिहार एक सोच पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।